कांग्रेस ने कर्नाटक की तर्ज पर एमपी में समृद्धि कार्ड लॉन्च कर दिया है। समृद्धि कार्ड के तहत कांग्रेसी घर घर जाकर कमलनाथ की 5 गारंटियों के बारे में जनता को बताएंगे। अब कांग्रेस के इस अभियान पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कांग्रेस ने पहले भी गारंटी दी है लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया और जो गारंटी दे रहे हैं वो खुद वारंटी पर है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने समृद्धि कार्ड लॉन्च को लेकर कहा कि कांग्रेस ने पहले भी 2 लाख का कर्जा माफ, बेरोजगारी भत्ता, पेट्रोल के दाम कम करने की बात कही थी। एक बात भी उनकी पूरी नहीं हुई, कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और जो लोग गारंटी दे रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग वारंटी पर हैं। गृहमंत्री मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी चीन के माल की तरह गारंटी है जो चलती नहीं है। वहीं दूसरी ओर गारंटी प्रधानमंत्री मोदी की है, विश्वास की, न्याय की। मैंने अभी उनकी गारंटी के बारे में बताया ना, वो पहले भी गारंटी दे चुके हैं 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ करने का, नौजवान को बेरोजगारी का, पेट्रोल के दाम कम करने का, ये कांग्रेस नहीं दी थी सब बातें। एक बात भी उनकी पूरी हुई है कि आप देखो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती मित्र। कांग्रेस के जितने लोग गारंटी दे रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग वारंटी हैं, या तो जमानत पे हैं या जमानत ली हुई है या जमानत लेने वाले हैं। ये 2 तरह की गारंटी है, इनकी कांग्रेस की गारंटी, चीन की गारंटी है, जैसे चीन के माल की गारंटी होती है ना, और दूसरी गारंटी है भारत के स्वाभिमान की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, वैश्विक नेता की गारंटी, ये देश जानता है अच्छी तरह से। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कहा कि इनकी बैठक का कोई मुद्दा ही नहीं है, ये सब लोग बार बार बैठक करेंगे लेकिन इनकी बैठक से कुछ नहीं होने वाला है, ये फूके हुए बल्बों की झालर है, इनके बार बार बैठने से कुछ नहीं होगा। वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर की घटना पर कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इंदौर की कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं, इंदौर में गुंडे संभल जाएं वरना संभाल लिया जाएगा। मिलकर बैठेंगे सारे जुगनू सारे और ऐलान ये होगा कि सूरज को हटाया जाए। ये फुके बल्बों की झालरें हैं, इनके बार बार बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। वहां पर मैं कल ही इंदौर से आया हूं, इस विषय पर विस्तार से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है 10 बजे, और 10 बजे इस विषय पर विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चर्चा करने वाले हैं। जहाँ तक मेरे संज्ञान की बात है, इसमें हमने जो संज्ञान लिया है उसमें बिल्डर ने अभी कॉलोनी को उन्हें समर्पित नहीं किया है और इस कारण से वहाँ पर कुछ बदमाशों की जानकारी आई थी, वहाँ पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहाँ अंधेरा और सफाई की समस्या थी, उसके लिए नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री जी हिदायत करने वाले ही हैं, और ये स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि वो जो लोग भी गुंडे हैं या बदमाश हैं जिनसे उन्हें डर है, उन गुंडों को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस तरह की शिकायत अगर दोबारा आई तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, संभल जाए नहीं संभाल दिए जाएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।